मेरा नाम कला है, मैं सावस की को फाउंडर हूँ और इस साल हम 1 बिलियन राइजिंग में जो कैंपेन कर रहे हैं उसका थीम है घूरना बंद स्टॉप स्टेयरिंग। इस कैंपेन के दौरान हम एक वीडियो कैंपेन कर रहे हैं जिसमें हम इनवाइट कर रहे हैं गर्ल्स और विमेन को ताकि वो वीडियो स्टोरी भेजें। जब भी पब्लिक स्पेस में किसी भी आदमी ने घूरा है तो वो उस समय उनके फीलिंग्स दिमाग में क्या चल रहा था, क्या उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया, क्वेश्चन किया, रिपोर्ट किया या क्या चल रहा था, वो हम इनवाइट कर रहे हैं कि यंग गर्ल्स और विमेन हमें वो वीडियो स्टोरी शेयर करें। इसका इंटेंशन ये है कि जब भी हम पब्लिक स्पेसेस में जाते हैं तो आदमी लोग घूरते हैं और क्योंकि हमारे देश में बहुत नॉर्मलाइज है आदमी लोगों का घूरना, तो उस समय जब कोई भी हमें घूरता है तो बहुत ही गुस्सा आती है, घबराहट आती होती है, डर लगता है और ये नहीं समझ में आता क्या करें। और हमारे देश में बहुत फोकस ये है कि जब वायलेंस रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई बड़ी चीज़ होगी तभी हम उस पर फोकस करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसी चीज़ को चैलेंज करें, घूरना जब भी कोई घूरता है उस चीज़ को क्वेश्चन करने लगेंगे तो जो बड़े लेवल की हिंसा है या जो सोच उस तरह की हिंसा को का परिणाम होती है उसे हम चैलेंज कर पाएंगे। तो हमारा पूरे कैंपेन का उद्देश्य ये है कि हम ऐसी वॉइसेस लाएं विमेन और गर्ल्स की जहाँ पे ये चीज़ लोग शेयर करें और फिर उसे हम कॉल आउट कर पाएँ। और ज़रूरी ये भी है कि हमारे जब हम ऐसा होते हुए देखते हैं तो आसपास के लोग क्या करते हैं, सबको क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो 1 बिलियन राइजिंग में हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार लाए हैं, वो है पोइट्री कॉम्पिटिशन जो हम 13 फेब को 11 o'clock जूम पर करने वाले हैं। इसमें हम मुझे लगता है पोइट्री एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीडियम है जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपको कैसा फील होता है। और इस पोइट्री कॉम्पिटिशन का थीम ये है कि जेंडर पेट्रियार्की, जेंडर बेस्ड वायलेंस को चैलेंज करना, जेंडर इक्वालिटी, यानी कि आपके लिए लड़की होना लड़का होना क्या मतलब रखता है, हिंसा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, जेंडर समानता होना ज़रूरी है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इन थीम्स पे आप अपनी पोएम लिख सकते हैं। ये कॉम्पिटिशन हिंदी में होगा, तो आपका ओरिजिनल जो आपने खुद की लिखी हुई पोएम लिखें और आप रजिस्टर कर सकते हैं, और जब कॉम्पिटिशन हो तो आप इस पोएम को प्रजेंट कर सकते हैं सबके सामने। और क्योंकि इस बार OBR का थीम भी है आर्टिस्टिक अपराइजिंग, तो मुझे लगता है पोइट्री से बेटर मीडियम क्या हो सकता है अपनी बात को रखने का। पोइट्री कॉम्पिटिशन के अलावा हम लोगों को बहुत खुशी है ये शेयर करते हुए कि हमने सहयोगी संस्था जो पटना से है उनके साथ कोलैबोरेट किया है और हम उनके समुदाय में महिलाओं लड़कियों के साथ 3 मुद्दों पे वर्कशॉप्स करने वाले हैं, जेंडर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंटल हेल्थ पे, जो कि मुझे लगता है पूरा जो OBR का इस बार कैंपेन का थीम है यूजिंग बॉडी एज एन एक्ट एंड यूजिंग बॉडी एज अ रेजिस्टेंस के लिए ये टॉपिक्स मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो हम इन 3 तरीकों से वीडियो स्टोरीज, पोइट्री कॉम्पिटिशन और वर्कशॉप्स के माध्यम से 1 बिलियन राइजिंग का में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी वीडियो स्टोरीज सेंड करेंगे, पोइट्री कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लें और मुझे लगता है हम सब मिलकर इस कैंपेन और एक मास एक्शन टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं।